आरिफ नसीम खान साहब हैं यहाँ पर, कांग्रेस के बड़े नेता हैं, ये भी आज यहाँ पर अपना जो एहतजाज जो है दर्ज कराने YMC ग्राउंड में आए हुए। आरिफ भाई, कैसा निज़ाम है पहले ये बताइए। नहीं, निज़ाम ठीक है। सिटीजन वेलफेयर सोसाइटी और सभी यहाँ के लोगों को मैं मुबारकबाद दूंगा कि उन्होंने पीसफुल प्रोटेस्ट यहाँ पर इसराइल के खिलाफ किया है और फलस्तीन के मजलूमों के हिमायत में, सपोर्ट में अमन की अपील करते हुए यहाँ पर बड़ा एक जलसा ऑर्गेनाइज किया है। उसके लिए मैं सभी लोगों को मुबारकबाद देना चाहूँगा। बहुत जज्बाती आपका स्पीच था। नहीं, सवाल दुनिया का कोई भी इंसान, किसी भी मजहब को मानने वाला इंसान, वहाँ जो पिछले अक्टूबर से और आज तक जिस तरह से बमबारी की जा रही है अस्पतालों पे, मस्जिदों में, लोगों का पीने का पानी बंद कर दिया गया है, छोटे छोटे मासूम बच्चों को कत्लेआम किया जा रहा है, तो लाशें दिखाई जा रही है, तो तमाम सारे किसी का भी दिल पसीजेगा। आखिर ऐसा क्या हुआ है जो इसराइल इतनी ताकत के साथ किसके इशारे पर फलस्तीन के बेगुनाह सिविलियन को मार रहा है? हमारा मुखालफत उसके लिए है, हमारा विरोध उसके लिए है। हम चाहते हैं कि वहाँ पे सीज फायर होना चाहिए और अमन होना चाहिए। एक बात चल रही है, वंचित बहुजन अघाड़ी का जो कल एक प्रोग्राम था, जिन्होंने फिलिस्तीन के खिलाफ सपोर्ट में एक प्रोग्राम रखा था आज़ाद मैदान, ये वही तारीखी आज़ाद मैदान है जहाँ पर एक बार मुसलमानों के एहतजाज पे दाग लगा, उसके बाद से वहाँ कोई प्रोग्राम नहीं किया गया। अरे भाई, तो क्या वजह है कि मुसलमान नेता जो है आज़ाद मैदान के नाम से पीछे हटते हैं? नहीं, कोई पीछे नहीं हट रहा है। सब अगर उन्होंने फलस्तीन की हिमायत में और जिस तरह से वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें पिछले अक्टूबर से हो रही है और उसके एहतजाज में उन्होंने किया है, तो अच्छी बात है। सभी सियासी जमात को, सभी लीडर्स को, समाजी कारकुन को पीसफुल तरीके से उसकी मजम्मत करनी चाहिए। और बात चल रही है कि मुसलमान जो नेता है, अरे भाई उसमें आप भी आ जाते हैं, दूसरे भी, सारे चीज़ें एक चीज़ नहीं है क्योंकि सब अलग अलग पार्टी में बटे हुए हैं। इनके रहते हुए एक प्रोटेस्ट का परमिशन नहीं मिला और वंचित बहुजन अघाड़ी का प्रकाश अम्बेडकर जाके परमिशन लेके आता है। ये तो मैं सरकार की तरफ एक शेयर करके अपनी बात को ख़त्म करना चाहता हूँ कि ये उनकी सियासत है, ये वो जाने, हमारा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। अरे भाई, एक आखिरी सवाल, आज़ाद मैदान में कल प्रोटेस्ट हुआ, एक जो भय था, एक डर था लोगों में कि यार हम मुसलमान वहाँ प्रोटेस्ट करते हैं तो ऐसा होता, क्या वो डर खत्म हो जाएगा अभी? नहीं, सवाल डरने की किसी को जरूरत नहीं है। एक दहशत थी नेताओं में, उलमाओं में। मुझे नहीं पता क्यों डर, हम लोग तो हमेशा करते रहते हैं हर इशू के ऊपर आज़ाद मैदान, क्योंकि हाई कोर्ट ने एक लिमिट बना दी है कि किसी को भी अपनी बात करना है और तमाम जो प्रोटेस्ट हैं, मोर्चे हैं, वो आज़ाद मैदान ही एरिया तय किया गया है। तो हम लोग आते जाते हैं, करते रहते हैं, हमेशा एहतजाज और प्रोटेस्ट वहाँ पर हम लोग का होता रहता है, ऐसी कोई डर और खौफ की बात नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया।